الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، الذي علم بالقلم. लम लम। तो पर नहीं। पर नहीं। पर अभी आपके सामने सूरत अलग की आयत एक था छः पेश की गई जिनका उर्दू तर्जुमा फरमोदलीफतलमसीबर रहा पेश खिदमत है अल्लाह के नाम के साथ जो बे इनतहा अहम करने वाला बिन मांगे देने वाला और बार बार अहम करने वाला है पर अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया उसने इंसान को एक चिमट जाने वाले लोतरे से पैदा किया पर और तेरा रब सबसे ज्यादा मोजिज है जिसने कलम के जरिए सिखाया इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था <coughs> प्यारे प्यार حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

हज़रत में सीह मऊदलात फरमाते हैं मैं उन मौलवियों को ग़लती पर जानता हूँ जो उलूम जदीदा की तालीम के मुखालिफ़ हैं वो दरअसल अपनी ग़लती और कमज़ोरी को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं उनके जहन में ये बात समाई हुई है कि किलूम जदीदा की तहक़ीक इस्लाम से बदजन और गुमराह कर देती हैं और वो ये करार दिए बैठे हैं कि गोया अक़ल और साइंस इस्लाम से बिल्कुल मतदा चीज़ें हैं चूँकि ख़ुद फ़लसफ़ा की कमज़ोरीों को ज़ाहिर करने की ताक़त नहीं रखते इसलिए अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये बात तराशते हैं कि किलूम जदीदा का पढ़ना ही जायज़ नहीं नीज़ आप ने फरमाया बस ज़रूरत है कि आज कल दिन की खिदमत और अलाए कलमतल की गरज से उलूम जदीदा हासिल करो और बड़े जद्दोजहद से हासिल करो लेकिन मुझे ये भी तजर्बा है जो बतौर इतवा बयान कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इनूम ही में एक तरफा पढ़ गए और ऐसे महव और मुनहिमिक हुए कि किसी अहल दिल और अहल ज़िक्र के पास बैठने का उनको मौका ना मिला और ख़ुद अपने अंदर इलाही नूर ना रखते थे वो मम ठोकर खा गए और इस्लाम से दूर जा पड़े और बजाय इसके इन लूम को इस्लाम के ताबे करते उल्टा इस्लाम को कोलूम के मातहत करने की बेसूद कोशिश करके अपने जो में दीन दीनी और कौमी ख़िदमत के मुतकफिल बन गए मगर याद रखो कि ये काम वही कर सकता है यानी दीनी खिदमत वही बजा ला सकता है जो आसमानी रोशनी अपने अंदर रखता हो मलफज़ा जल्द अव्वल सफ़ा नंबर तैतालीस नवाजाल की क्लास है Hmm? मंजूम कलाम हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब अज़ीज़ो सुनो के बे bhi insaan isliye shauk se isse ko tabno tum mukarabe जद मेरे प्यारो पर हो इसे रोष दम उठ के बाद दिले बी बरकत है पर से आ de la उसकी मर्जी के हो अगर जो यान अकलाती है इसके पर बनाद हम सबको, फजल से अपने माहिरे पैदा हुए थे जर्मनी में पैदा हुए थे जी अच्छा उर्दू में पढ़ रहे हो में उर्दू में उर्दू सीख ली जी कमाल कर दिया बैठ जाओ जर्मनी में अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं अच्छा सभी सादिक साहब करनी है है बिस्मिल कुरानी कुरान कुरान करीम की वही का खास उन आयात से हुआ जिनका तर्जमा अभी सुन चुके हैं ये सबसे पहली वही थी जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हसम पर नाजिल हुई इस तरह कुरान करीम के नज़ूल के साथ ही अल्लाह ताला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अब दुनिया में कलम के जरिए भी एक अज़ीम इनकलाब पैदा होगा चुनाचे ऐसा ही हुआ हज़रत मुस्लिम और फरमाते हैं बिल कलम के एक ये मायने भी हैं कि कुरान करीम के ज़रिए आइंदा सारे दुनिया में फैलेंगे चुनाचे आज जिस कदर दुरूम नज़र आते हैं ये सब कुरान करीम के तुफैल मारज़ वजूद में आए हैं कुरान करीम अरबों में नाजिल हुआ और अरब बिल्कुल जाहिल थे उन्हें कुछ पता ना था कि तारीख किस इल्म का नाम है या सरफ़ और नहफ़ कौन से सेलूम हैं या फ़िका और असूल फ़िका किस चीज़ का नाम है मगर जब कुरान करीम पर ईमान लाने की सदत उनको हासिल हो गई तो कुरान करीम की वजह से उन्हें इन तमाम ूम की तरफ मुतव होना पड़ा इसी तरह इल्म -तारीख की ईजाद अमल में आई लुत भी कुरान करीम की ख़िदमत के लिए लिखी गई इसी तरह इल्म मानी और ब्याह महज कुरान करीम के तुफ़ैल इजाद हुए गैरज यहूम जो दुनिया में बाद दीगरे जाहिर हुए महज कुरान करीम के तुफ़ैल और उसकी तायद के लिए अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाए हैं अगर ये उलूम पैदा ना होते तो कुरान करीम की हकीकत और इसकी अली दर्जे की शान को लोग पूरी तरह समझने सेसिर रहते यही हाल इलम इकतियात का है कि अल्लाह तला ने इसे कुरानी इकतसादिया की तोज़ी के लिए दुनिया में कायम किया गर्ज सर्फ क्या और नहफ़ क्या और तारीख़ क्या और अदब क्या और कलाम क्या और फिका क्या सब ूम कुरान करीम की खिदमत के लिए निकले वरना अरब तो महज़ चाहल थे उन्हें इन इनूम की तरफ तवज्ज़ा ही किस तरह पैदा हो सकती थी उनको तोज्जा महज इस वजह से हुई कि उन्होंने कुरान को माना और फिर कुरान करीम से दुनिया को रोशनास कराने के लिए उन्हें इन इनूम की इजाद या इनके फैलाने की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा अब रही बाकी दुनिया सो उसने भी कुरान करीम से ही इन तमाम उलूम को सीखा है क्योंकि ये येमूम वो हैं जो अरबों ने ईजाद किए या जिंदा किए और फिर अरबों से बाकी दुनिया ने लिए गर्ज़ यूरोप के पास कोई एक चीज़ भी नहीं थी उसने जो कुछ सीखा स्पेन के मुसलमानों से सीखा और स्पेन ने जो कुछ सीखा शाम से सीखा और शाम वालों ने जो कुछ सीखा कुरान से सीखा बस दुनिया के तमाम कुरान से ही जाहिर हुए हैं और अब कयामत तक जिस क़दर कल में चलेंगी कुर करीम की ख़िदमत और इसके बयां करदा उलूम की तरवीज के लिए ही चलेंगी आज यूरोप में जितनी किताबें निकल रही हैं वो सब की सब अलमा बिलकलम की तस्दीक कर रही और अल्लाह ताली की इस पेश को सच्चा साबित कर रही हैं कि कलम के जरिए कुरान करीम को फैलाया जाएगा अरब हर किस्म के केलूम से नाबल थे लेकिन कुरान करीम पर ईमान लाने के बाद वो तमाम दुनिया के उस्ताद बन गए और फलसफा जिस पर यूरोप को आज बहुत बड़ा नाज है उसके भी वही मौजद करार पाए इसमें कोई शुबा नहीं क्या में हमेशा तरक्की होती रहती है और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल कोशिश करती है कि उसका इलमी मुकाम पहले से बुलंद हो जाए लेकिन इसके बावजूद बीच अपनी ज़ात में जो कीमत रखता है इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता दरख्त का फैलाव ख्वा किस कदर बढ़ जाए बीच की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता इसी तरह ूम ख्वा किस कदर तरक्की कर जाएं सहरा मुसलमानों के सर ही रहेगा और मुसलमानों का सर कुरान करीम के आगे झुका रहेगा क्योंकि यही वो किताब है जिसने ऐलान किया कि बिल कलम अब दुनिया को कलम के ज़रिए सिखाने का वक्त आ गया है पर हकीकत यही है कि दुनिया को तमाम उलूम कुरान करीम नहीं सिखाए हैं अगर कुरान ना आया होता

ज़ुबल कुरानी आलूम की मिसालें पैर भाई कुरानी क्रीम के अंदर बेशुमारूँ मौजूद हैं जिन पर जिनके बारे में कुरान करीम बार बार ग़ौर करवज दिलाता है जैसे सूरत रूम की आयत बाईस त पच्चीस में खुदा तला फरमाता है यकिन इसमें ऐसी कौम के लिए जो गौरव फिक्र करती है बहुत से निशान हैं इसी तरह फरमाया यकीन इसमें आलमों के लिए बहुत से निशान हैं मजीद फरमाया यकीन इसमें उन लोगों के लिए बहुत से निशानात हैं जो बात सुनते हैं नीस फरमाया यकीन इसमें अक्ल रखने वाले लोगों के लिए बहुत से निशानात हैं अब खास सारसबत से आपके सामने बेशुम कुरान में से चंद मिसालें रखता है जिनके बारे में कुरान हमें गौर करने की हिदायत फरमाता है आज से चौदह सौ साल पहले कुरान करीम ने इस कायन की पैदाइश जिसे बिग बैन थ्योरी कहा जाता है कायनात के हर लम्हा फैलने इसी तरह गलेक्सीस सितारों सारों दमदार सितारों सूरज और चांद वगैरह के बारे में वो मालूम दी जो नई तहक़ीक़ा की रोशनी में इस ज़माने में हम समझ सकें हैं और अभी कितनी ही ऐसी मालूम होंगी जो अभी हम समझने के काबिल नहीं हो सके ख़ुदा सूरत अल तकवीर की आयत बारह में ये गोई फरमाता है कि हज़रत मसीह मौदाम के ज़माने में आस्ट्रोनोमी के इल्म में भी बहुत तरक्यात होंगी जैसा कि फरमाया और जब आसमान की खाल उधेर दी जाएगी एस्ट्रोनोमी के मौजू पर कुरान क्रीम में सैकड़ों आयात मौजूद हैं जो मैं मज़ीद रिसर्च करने की दावत देती हैं आसमान की तरह ज़मीन के बारे में भी कुरान में बेशुमार याद मौजूद हैं ज़मीन की पैदाइश ज़मीन में पहाड़ों का बनाया जाना पानी और बादलों का निज़ाम दरख्तों का उगाना जानवरों और परिंदों का पैदा करना गर्स-जमीन के ताल्लुक में जियआलॉजी के साथ साथ दूसरे कई मसलन हायड्रोलॉजी ओसीोलॉजी जोआलॉजी बोटनी वगैरह हासिल करने और उन पर गौर करने के बारे में कुरानी नीम बार बार मुतवज़ो करता है इसी तरह खुदा तला इन, इन्फितार की आयत पाँच में ये पेशगोई फरमाता है कि आखिरी ज़माना में आर्कआलॉजी केम में भी बहुत तरक्यात होंगी जैसा कि फरमाया और जब कबड्डियों खेल कर इधर उधर बखेर दी जाएंगी इसके अलावा एजिप्टोजी के बारे में भी बेशुमार आयात मौजूद हैं जो जब हिस्ट्री के बारे में तहकी करने की हिदायत करती हैं कुरानी करीम में जा बजा इंसान की पैदाइश और पैदाइश के मराहल के बारे में आयात मौजूद हैं और ख़ास तौर पर अम्ब्रियालोजी के बारे में वो मालूम दी गई हैं कि आज भी इस फील्ड के बहुत से माहन जो खुदा तला पर यकीन नहीं रखते कुरानी करीम के इन इनफॉर्मेशन पर हैरान हैं चौदह सौ साल पहले ये मालूम किस तरह हासिल की गई ये आयात यकीन हमें इस फील्ड में भी मज़ीद रिसर्च करने की दावा दे रही हैं। खासकर इस कम वक्त में सिर्फ चांदी के लूम का जिक्र कर सका है जबकि कुरानी क्रीम में तमाम रूहानी लूम के साथ साथ दुनियावी लूम की बुनियाद भी मौजूद है अल्लाह ताली हमें तोीकत आफरमाए कि हम खुदा तला की इन निशानियों पर फिक्र करने वाले होंम अल्लाम क्या रजू अलिकम वर लबरक आऊजबल कुरान और साइंस हज़रत मुसमत रजील्ला तहु फरमाते हैं कुरने लोगों को साइंस की तलीम से रोका नहीं बल्कि फरमाता है गौर करो ज़मीन और आसमान के पैदाइश में सोनस आयत एक सौ दो आसमान से मुराद समावी ज़मीन से अर्जी यानि जायालोजी बायोलॉजी आर्किलॉजी तबियात यानि फिज़िक्स वग़ैरह उलूम मुराद हैं अगर ख़ुदा के नज़दीक इनूम के पढ़ने का नतीजा मज़हब से नफरत होता तो कुरान कहता है इनम को कभी ना पढ़ना मगर इसके बर वो तो कहता है ज़रूर गौर करो इन उलूम को पढ़ो और अच्छी तरह छानबीन करो क्योंकि उसे मालूम है उलूम में जितनी तरक्की होगी उसकी तस्दीक होगी कुरानी करीम की यह आयत भी साइंस की तरफ तोज् दिलाती है फरमाया ज़मीन व आसमान की पैदाइश में और दिन रात के अख्तलाफ़ में अक्लमंदों के लिए निशान हैं। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में गौर करने से वो ये नतीजा निकालते हैं कि कोई चीज़ फजूल और बेफायदा पैदा नहीं की गई आले इमरान एक सौ इक्यानवे तय एक सौ बानवे अब देखो इस आयत में साइंस के मतलब कैसी वसी तालीम दी गई है अशिया के फ़ायद और फिर ये नतीजा कि कोई चीज़ बेफायदा पैदा नहीं की गई ये बगैर तहक़ीक के कैसे मालूम हो सकता था पास कुरान ने खास की तरफ तोज़ दिलाई है और साथ ही यह सुनहरी असर भी सिखा दिया है किसी चीज को बेफायदा ना समझो हमने कोई चीज फजूल पैदा नहीं की गोया लंबी तहकीक जारी रखने और आजल नतज से बचने की तलकीन की गई है बस इस्लाम साइंस की तरफ तोजह दिलाता है और साइंस की तहकीकतों से इस्लाम की तईद होती है अनवारो तीन हजरत मुसम तनो फरमाते हैं आखिर में मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि मजहब इस्लाम का मताल करो क़ुरान को हाथ मिलो और इस पर गौर करो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साइंस मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है कोई सच्ची साइंस मजहब के ख़िलाफ़ नहीं और कोई सच्चा मज़हब साइंस के खिलाफ नहीं हो सकता तुम अपने मजहब की कदर करो और इसका अहतराम करो इस्लामी रूह अपने अंदर पैदा करो फिर तमाम तदाबीर कामयाब होंगी तुम कुरान को हाथ में लो इसका मताल करो इसको गौर से शादी करो कि इस किताब का अहतराम करो इसकी आयात पर हंसी ना करो सिर्फ क्लु वशरबू का मसला ही याद ना हो बल्कि मजहब भी सीखो याद रखो इसमें वो अलूम है जो तमाम दुनिया के तमदन को हेज़ कर देंगे तुम अगर इस्लाम का सच्चा नमूना इख्तियार करोगे तो तुमको तुमकुरी और जिस्मानी दोनों अमूर में दुनिया पर बर्तरी हासिल होगी ला इला इल्ला का नारा फिर बुलंद होगा और इस्लाम की हुकूमत आज से तेरह सौ साल कबल की तरह फिर दुनिया पर कायम होगी इंशाल्लाह। अनवारुल सफा इनशा अनवार्ठारह पौ उन्नीस हाँ जी अब क्या करना है हिदयात क्या लेनी है पहले इतनी हिदायतें मिली हुई अमल हो रहा है उस पर हुँ? हुँ? तुम बचो क्या कहते हो तुम क्या हिदायत चाहिए तुम्हें बताओ सवाल करो वक्फे ना हो कोई बात करो दो माइक्रोफोन हाँ बोले दो माइक्रोफोन है पीछे हाँ ज़रा ऊँची बोलो मेरा नाम अदील है मस्जिद फैबरिक से हूँ हजूर जैसा कि आप हर खुद में फरमाते हैं कि हर आहदी को जमात के साथ अपना तल्लुक़ और मोहब्बत पुख्ता करनी चाहिए इसलिए मैं सवाल यह है कि वक्फ़ा वालब इलम को ऐसा क्या करना चाहिए ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत जमात से जाहिर कर सके और उसको मजबूत कर सके सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि आप लोग वक्फा अगर आपको समझते हैं अपने आप को और ये ख्याल करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें वक्फ़ किया तो किस लिए किया उस कुरान करीम के उस सायद पर अमल करते हुए किया हुँ? जो मरीम की वालदा ने कहा था कि जो कुछ मेरे वतन में है मेरे पेट में है मैं उसको तेरे लिए वक्फ़ करती हूँ खुदा तला को कहा था ना तो खुदा तला के लिए वक्फ़ किया है तो पहले समझो कि खुदा है कौन ठीक और खुदा को समझो और उसके लिए जो अल्लाह त पैदश का मकसद बताया अपना ज़िंदगी का उसको समझो और वो क्या बताया कि मेरी इबादत करो इसलिए अल्लाह से तार्ब पैदा करो पहली बात तो ये सुंदर में तुम लोगों को पांच नमाजों की तरफ तोज देनी चाहिए <coughs> बहुत सारे लोग अपने घरों में देख लेते हैं या सर्दियों में या गर्मियों में मौसम की शिदत की वजह से अगर नमाजें कहीं जमा हो जाएँ या मेरे दौरों की वजह से जमा हो जाए समझते हैं तीन नमाज़ें है, नमाज़ें पाँच हैं ठीक और वक्त पाँच नमाजें अदा करो पहली बात तो ये अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत करो फिर दीन का इल्म हासिल करो कुर करीम पढ़ो जिताया ना कुरान का इल्म हासिल करो इसको सीखो इसको समझो ये इतने बड़े जिस सात बोर्ड लगाए हुए हैं सात हिदायतों के इनमें से इस पर अमल करने की कोशिश करो यही करना चाहिए वक्फ ना को ठीक हाँ असलम प्यारे हजूर मेरा सवाल है कि मैं आपको नजम की दो शेयर सुना सकता हूँ सवाल तो नहीं है तो जवाब है सुना दो सर सरज़मी अरब से चली रोशनी आज तक है सफ़र में वही रोशनी सर सरजमीने अरब से चली रोशनी आज तक है सफर में वही रोशनी हम पे एहसान किया है हजूर आपने हम अंधेरों में थी हम खुद ही रोशनी हम पे एहसान किया है हजूर आपने हम अंधेरों में थे हम को दी रोशनी हम अंधेरों में थे हम को दी रोशनी साकल अब ये तो हमने दादा की नकल पे दोबारा पगड़ी बांधी है टोपी के ऊपर चलो ये नासराबादी पगड़ी है तुम बताओ ये खड़े हो जाओ हाँ अल्लाह प्यार हज़ूर मेरा नाम है दान मजलिस है से। मेरे पास एक सवाल था हज़रत नू की कश्ती में आ, कितना टाइम लगा है बनने में और किसी मखलूक ने हेल्प की थी टाइम तो नहीं लिखा हुआ जब जो हाँ बना रहे थे कश्ती तो जो साथ जो उनकी कौम थी वो गुजरते थे वहाँ से कुरान शीब तेना हँसते थे हमारे यहाँ तो पानी नहीं है कुछ भी नहीं है हैं तो मुझ पर हंस रहे हो तो, तो किस्ती लिए बना रहे हो तो उन्होंने ये जवाब दिया था ना तो आज तुम तो मुझ पर हंस रहे हो कल तुम जब ये इसके इस्तेमाल पता लगेगा ना इसकी अहमियत फिर तुम पर मैं हँसूँगा तो वक्त लगा होगा कुछ अर्थात तो लगा ही होगा बनने में और शायद मदद भी करने वाले मदद करते हों जो उनके मानने वाले थे उनके तो मैन वक्त गए इतना प्रिसाइजली नहीं बताया जा सकता ठीक

असल हजूर मेरा नाम असवर अहमद है मैं मजदस फ़ायबक में से हूँ मेरा सवाल ये था कि जामे में अपने अपने मर्ज़ी के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते किसने कहा या नहीं पहन सकते हैं मैं जामे में गया था तो उन्होंने सारे सेम कपड़े पहने हुए थे सेम कपड़े पहने तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है नहीं तुम लोगों के स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होता अक्सर स्कूलों में यूनिफॉर्म है यूके में तो अक्सर स्कूलों में यूनिफॉर्म होता है पाकिस्तान के अक्सर स्कूलों का यूनिफॉर्म होता है यहाँ अगर बाज़ जगहों पे नहीं होता बास पब्लिक स्कूल जो हैं इनमें शायद ना हो हैं उन्होंने कहा वो जी कॉमन रखो या शायद गरीब लोगों की वजह से या किस वजह से लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है मेरा ख्याल है जर्मनी में भी उनका यूनिफॉर्म होगा यकीन उन्होंने अपनी एक शिनाख्त रखी, रखी होती है एक पहचान रखी होती है ठीक तो कोई ना कोई यूनिफॉर्म देना था ठीक है जाम के लड़कों को तो मुझे ये यूनिफॉर्म पसंद था मैंने कहा ये यूनिफॉर्म है तुम्हारा पहनो ठीक मसला नहीं है ये इंतजामी मसला है नहीं, ठीक। <laughs> ठीक। साथ को हजूर, मेरा नाम है कामरान शेख और मैं हूँ मजलिस आयशाम से मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं दो शेर नजम के पढ़ सकता हूँ इसलिए मैं अपने नाना से ये वादा करके आया था अच्छा उनको बता गया था और ना अगर वादा पूरा ना किया तो फिर क्या करते मारूँगा चलो <laughs> पढ़ दो कलाम हज़र खलीफा तुल मसीह राब रहम तो शेर पढ़ दो बस दो मिनट में शेर पढ़ दो दो घड़ी सब्र से काम लो सातियो आफ ते जुल्म तो जोर टल जाएगी आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा रुत बदल जाएगी दो घड़ी सब्र से तुम दुआए करो ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा तसर किब्र किब्रमरूद का है अजल से ये तकदीर दीर आप ही आग में अपनी जल जाएगी है अजल से ये तकदीर नम आप ही आग में अपनी जल जाएगी तो बैठ हाँ तो सेको मेरा, सेको मेरा नाम मिसबल हकशम्स है मेरा सवाल है कि आप अभी पीछे आख़न की मस्जिद का इफ्ताह करके आए हैं तो आपको मस्जिद कैसे लगी तो आखन से हो नहीं मैं उसके करीबी जमात से अच्छा जुमा वहाँ पढ़ते हो जाके? नहीं नहीं मस्जिदें सारी अच्छी होती हैं हर वो मस्जिद अच्छी होती है इसकी आबादी अच्छी हो ठीक है मस्जिदों की इमारत तो खूबसूरत बना देते हो मस्जिद की असल ख़ूबसूरती वहाँ के नमाजियों से बनती है ठीक है अब देखते हैं कि वहाँ की जमात उसको कितना खूबसूरत मज़ीद बनाती है ठीक चलो पीछे जाओ पीछे आखिर में माइक्रोफोन दो पीछे खड़े हो जाओ वहाँ अमूर वाले मेरा नाम फारोखरम है मैं कोसके गौ से हूँ मेरा सवाल ये है कि आ, मैं अभी ठो के बाद जामिया में जाना चाहता हूँ तो जामिया के दौरान कुछ और भी स्टडी कर सकते हैं कि नहीं बेहतर यही है कि जामिया स्टडी कर लो हैं खड़े रहो घुटने सलामत है ना माशाल्लाह, बस फिर खड़े रहो तो जामिया के दौरान तो जामिया की तालीम ही हासिल करो ज़्यादा बेहतर है ठीक और अगर इतने ब्रिलियंट हुए कि जामिया की इंतज़ामिया ने यह समझा कि तुम्हें कुछ और पढ़ाया जा सकता है तो इजाज़त दी भी जा सकती है पाकिस्तान में बज दफ़ा जामिया के दौरान बाज़ लड़कों को जो अच्छे से ज़्यादा होशियार होते हैं एफ़ और ग्रेजुएशन वगैरह करवाई जाती है लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि स्टूडेंट अच्छा है और किसी ख़ास इसका मजमून की तरफ इसका रुझान है इसकी हैं इसका शौक़ है तो उसमें स्पेशलाइज़ करवाया जा सकता है तो वो जामिया पास करने के बाद भी कराया जाता है जो जा यू के जामिया से बाज़ लड़के पास हुए हैं उनको अब हम यूनिवर्सिटियों में भी ग्रेजुएशन करवा रहे हैं मुख्तल मजमूनों में ठीक अगले अगले क्यों दे दो अपने आगे अलैक प्यारे हजूर मेरा नाम मिर्ज़ा खालिद वलीद अहमद और मैं मजलिस कैमेट से हूँ मेरा सवाल ये है कि हम लोग जिनकी वफात हो जाए उनको ज़मीन में ही क्यों दफनाते हैं ज़मीन में दफनाते हैं कोई ना कोई इज्जत और एहतराम चाहिए ना किसी चीज़ के लिए ठीक है एक तस्वुर है इस्लाम में कि किज़त और एहतराम से उसको ज़मीन में दफन कर दो और वहाँ एक निशान लगा दो और फिर उस निशानी के ऊपर जाके दुआई पढ़ते रहो अब कुछ अर्से के बाद उस ज़मीन में तो वह शीत नहीं रह सकता जिसको भी दफनाया जाता है वो तो मिट्टी बन जाएगा ठीक है कोई भी हो शख्स ये कानून कुदरत है उसके तहत एक वक्त में आके सब कुछ उसी में मिल जाता है हो सकता है जहाँ कब्रिस्तान में हम दफनाते हैं उससे पहले हज़ारों कब्रें पहले हों जहाँ तुम घर बनाते हो उसी उस जगहों पर हो हैं तो ये एक इज़्ज़त और एहतराम के लिए एक याद के लिए और दुआ करने के लिए इस्लाम में ये तरीक़ेकार है अब हर एक अपना जो मुर्दा है उससे इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहता है ना ईसाई हैं वो दफनाते हैं लेकिन बाद ऐसे हैं वो समझते हैं कि इज़्ज़त और एहतराम इसी में है कि उनको जला दिया जाए या हिंदुओं में ये रिवाज है वो उस जिसम की इज्जत और एहतराम के लिए वो समझते हैं कि उसको हम जला दें और जला के उसकी राख को बंद करके एक जगह रख लें तो ज़्यादा एहतराम है इसी तरह पारसी लोग हैं वो भी अपने मुर्दों की कोई अपने मुर्दे की मरे हुए की बेज़ती तो नहीं करना चाहता ना वो उनकी इज़्ज़त ये है कि वो उन्होंने एक बड़े बड़े ऊंचे मीनारे से बनाए होते हैं और वहाँ एक ग्रिल सी लगी होती है उसके ऊपर लगा के ना अपने मुर्दे रख देते हैं वहाँ कौे चीले खाते रहते हैं उनको वो समझते हैं कि यही एहतराम है कि इससे अल्लाह की मखलूक फ़ायदा उठा रही है इसके मरने के बाद भी इससे तो एक एहतराम का तस्वुर है हर एक मज़हब ने अपने ने रखा हुआ है अपने अंदाज़ के मुताबिक इस्लाम ये कहता है कि बेहतरीन यही चीज़ है कि इसको ज़मीन में दफनाओ और कुरान करीम ने भी यही दी कुरान करीम में आता है कि एक शख्स ने जब दूसरे अपने भाई को कत्ल किया तो उसको फिर अल्लाह ताला ने सबक देने के लिए कवे को भेजा और बताया कि उसने अपने किस तरह मुर्दों को दफन करते हैं ज़मीन खरीची है उसने कहा मैं बड़ा पढ़ा बदकिसमतों कि अपने मुर्दे की इज़्ज़त और अहतराम नहीं कर एक तो मैंने मार दिया फिर उसके बाद एहतराम नहीं उसका कर रहा तो उसका एहतराम यह है कि उस इज्जत से फिर ज़मीन में दफना दिया जाए ठीक दफनाते हो वहाँ यादगार भी रहती है फिर जाके उस पर दुआई भी करते हो नाम मोह अहमद कैसर और मैं जमात ओबर से हूँ हजूर मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त हो तो आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे इंग्लैंड में या पाकिस्तान में पाकिस्तान में रहने की इजाज़त पाकिस्तान चला जाऊँगा पाकिस्तान में रहने की इजाज़त तो मुझे है लेकिन मैं पाकिस्तान में रह के ना नमाज़ें पढ़ा सकता हूँ ना मैं खुतबा दे सकता हूँ ना मैं वो काम कर सकता हूँ इसलिए जब भी इन शाह तला हालात बेहतर होंगे और जिस खिलाफत के दौर में भी होंगे अल्लाह बेहतर जानता है तो मेरा ख्याल में कि अगर मरकज़ में कुछ अर्सा तो वो रहे पाकिस्तान जाया करेगा या मुझे मौका मिलेगा तो जाऊँगा लेकिन जो दुनिया का निज़ाम जिस तरह फुसत पैदा हो चुकी है जमत एहतिया में वो इलाक मुल्क जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं स्वास्कृत पाकिस्तान उस इतना डेवलप हो जाए जितना यूरोप है तो वहाँ से फिर कुछ अरसा वहाँ रहेंगे और बाकी यहाँ से लेकर दुनिया को कंट्रोल करना बेहतर सही तरह सबके साथ रबते रखना ज़्यादा मुनासिब होगा तो मेरा ख़्या वक्त ज़्यादातर ख़याल यही है कि यूँकि अब इंग्लैंड में एक बेस बन चुकी है वहाँ से ही होगा लेकिन कादियान और पाकिस्तान जहाँ आना रहेगा पीछे इसलिए हो सकता है कि हमें यूके में भी बड़ा मरकज को वसूसी करना पड़े अपने सैकम प्यारा हजूर मेरा नाम हसन खान है मैं हमबुक से आया हूँ मेरा सवाल है आप इतना ज़्यादा जमात के लिए करते हैं आपके पास फ्री टाइम होता है फ्री टाइम होता है हाँ अगर सोता हूँ तो फ्री टाइम होता है सोता हूँ जैसे खुद पे के बाद फिर आपको मीटिंग जाना होता है फिर कुछ और भी होता है उसके बाद हाँ काम तो होते हैं बस उसी काम में से वक्त निकालना पड़ता है फ्री टाइम के लिए कभी, कभी 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 साल में एक दो दफ़ा एक आध दिन के लिए आउटिंग भी करनी पड़ती है मुझे शूटिंग का शौक है तो मैं कभी कभी शूटिंग पर चला जाता हूँ दो तीन घंटे के लिए ठीक है आगे असलम पैराजूल मेरा नाम मुनीब अहमद मुस्तफ़ा और मैं मजलिस मिल्टन बैग से मेरा सवाल ये है कि जब आपको कोई अलामिया आपको पैगाम देते तो आपको कैसे पता लगता है अल्लाह ताला हर जो नेक बात है वो अल्लाह दिल में डालता है ना और फिर दिल में डालने के बाद उसको बार बार एहसास होता है कि इसको करना है बज दफ़े मुख्तल जहन में बातें होती हैं लेकिन नमाज के दौरान बस बाज़ो पता लग जाता है कि इस तरफ तोज्ह देनी है तो इस पता लग जाता है कि अल्लाह तरफ़ से ही है ये तो तो फरिश्ते दिखते हैं दिखाया नहीं जाता आन सलम पर तो अलैहिस्सलाम आए उस शक्ल में दिखाया गया लेकिन अम्ब्यापे भी जो फ़रश्ते आते ना मुख्तलि सूरतों में आते रहे ठीक और आन सम के तुफ़ैल ही उनके साथ उनके साहबा ने एक दफ़ा एक रिश्ते को देख लिया जिसने अरकान इस्लाम अरकान ईमान बता दिए ठीक बाकी किस तरह देखना है किस तरह दिखते हैं कि इंसानी शक्ल में इस तरह और एक मसला नज़र नहीं आते ठीक जी, <laughs> आगे सलाकुम प्यार हजूर मेरा नाम शाहिद नवास है जमात मेहदी आबाद से मेरा सवाल ये है कि आपको जमात अहमदिया जर्मी में क्या नज़र आ रहा है तुम <laughs> जितने लोग बैठे हुए अखीरें और नज़र आ रहे हैं इसका मुस्तबिल क्या नज़र आ रहा है जी इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है ये भी सोचना चाहते हो जी अल्लाह ताला के फजर से मुझे उम्मीद है इनशा अहमदिया जर्मनी का मुस्तबिल बड़ा अच्छा होगा और जुमतिया यहाँ फैलेगी और जर्मन कौम भी इन शाह तहमदिया रकी इस्लाम को कबूल करेगी और हो सकता है कि यूरोप में कबूल करने वालों में ये सबसे पहले नंबर पर हों

तो जब जानवर वफात पाते हैं तो उनके साथ क्या होता है उनके तो अल्लाह ताला ने उनको कोई अमल करने की सलाहियत ही ना दी हुई जन्नत और जहन्नम किस लिए है आखिर किसी को सजा मिलती है कोई अच्छी बात कर और बुरी बात से सजा और जजा होती है ना? किसी को मैं अगर कोई रिवार्ड मिलता है कोई इनाम मिलता है तो अच्छी बात करने से मिलता है ना और अगर तुम कोई गलत काम करो तो तुम्हें सज़ा मिलती है ना चाहे थोड़ी सी मिले स्कूलों में भी मिलती है मिलती है ना तो जानवरों को इतनी अकल है तुम्हारी बिल्ली कुत्ते को इतनी अकल है कि वो अच्छी बात काम करे और बुरा काम उसके तो जो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत बना दी है उसने तो वही काम करना है ना इसके लिए उस लिए ज़दा सज़ा कोई नहीं वो पिछले लड़के को दे दो खड़े हो जाओ तुम, तुम खड़े हो जाओ माइक्रोफोन दे दो पीछे। प्यारे प्यारजूर मेरा नाम जायज अहमद ख़ान और मैं मजलिस पाठम्बुक से आया हूँ मेरे पास दो सवाल हैं पहला सवाल के जब इंसान मरता है वो खुदा तला के घर जाता है तो जिसम वैसा रहता है जिस तरह अब है या जब जिसम तो तुम्हारा ज़मीन में दफन हो जाता है रूह ऊपर चली जाती है जब रूह ऊपर चली जाती है तो अल्लाह ताला उसको एक नया जिसम देता है ठीक है ठीक है वो जिसम देता है जिसने एक जब तक अल्लाह चाहे उस जिसम में रहना है या जहन में रहना है सजा काटनी है या जन्नत में जाना है उसको फैज पाने हैं ठीक ठीक है ये जिसम ये जिसम जिसम जो दुनिया का जिसम है वो यहीं रह जाएगा अगले जहान में अगला नया जिसम मिल जाएगा और रूह यही होगी मेरा दूसरा सवाल था वक्फिनो बच्चे क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं अगर तो जमात की पुलिस है तो बन सकते हैं ठीक है शुक्रिया <laughs> लेकिन अगर तुम किसी को पुलिस में जाने का शौक है बाद दूसरे शोबों में भी जाते हैं तो पूछ के इजाज़त ले सकते हैं कि हमारा शौक है अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए हैं तो फिर तुम जा सकते हो नहीं तो नहीं यह हर यह असली फैसला नहीं है हर इंडिविजुअल का अपना अपना फैसला होगा ठीक है जी शुक्रिया चलो चलो तुम खड़े हो जाओ माइक्रोफोन लो इधर जल्दी से अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल था कि जब हम वफात पाएंगे तो बड़ा गजोर है जर्मनी वाला <laughs> हैं तो हम जिंदा जिंदों की दुनिया में रह रहे हैं तो जिंदगी का भी ख्याल रखो हाँ अगर अगले जहान की फिक्र पड़ गई है तो वो तो अनसार को ज्यादा होनी चाहिए के मेरा सवाल था, था कि हम ऊपर जाके जब हमारी रूह चल जाएगी ऊपर तो हम अल्लाह मियाँ को देख सकेंगे अल्लाह ताला से जब सवाल जवाब होंगे तोहिर देख, है देखोगे कि किस सूरत में देखते हो क्या शक्ल है क्या उस अल्लाह जानते हैं कि वो किस तरह दिखाएगा अपने आप को हैं अब तुम कह दो कि कुछ किस शक्ल में दिखाएगा और किस तरह दिखाएगा वो तो अल्लाह ताला कहता है मैं सवाल जवाब करूँगा पूछेगा हैं जब तुम्हे तो है का तो तुमने अच्छे काम किए चलो जाओ हैं तो वो वो एक हदीस है लंबी के जन्नत कैसे निकालेगा जहनम से किसी को एक जगह पहले सामने लाएगा जन्नत का नज़ारा दिखाने के लिए फिर अगला स्टैप फिर अगला स्टैप फिर दरवाजे पहुँचेगा हैं तो फिर और बंदा कहेगा अल्लाह अल्ला तुमने यहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं इस ये भी दिखा दिया नजारा ये भी दिखा दिया बिल्कुल दरवाजे तक ले गया यूँ मैं जहाँ के अंदर भी देख रहा हूँ मौजें कर रहे हैं लोग तो थोड़ा सा अंदर जा के और गरीब से देख लूँ तो अल्लाह ताली हंस के कहेगा जाओ तुम्हें ज़्यादा ही शौक है चलो तुम्हें बख्श दिया चले जाओ जाना तो हूँ तो ये एक लंबी दिख से उसको मैंने खुलासा बता दिया तुम्हें यूँ बल्दी को बंद कर दी है पीछे हाँ तुम खड़े आ जाओ तुमने पहले कर लिया था सवाल नजम पड़ी थी कुछ भी नहीं किया खड़े आ जाओ को मेरा नाम आमिर अहमद जबीद है और मैं हल्का बच्चू से हूँ और मेरा सवाल है कि एहम जी को आ, 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 बच्चों की इजाज़त है स्मार्टफ़ोन लेने के लिए डी बच्चों को स्मार्टफोन लेने की इजाज़त है अगर उनका गलत नहीं इस्तेमाल करते और तुम्हारे अम्मा अब तुम राज़ी हो जाते हैं इस बात पर तो ले लो लेकिन अगर तुम सारा दिन चैट करते रहो और देखते रहो और गलत किस्म की उसकी अप्लीकेशनें डाल लो उसके अंदर हैं और फिर बजाय अच्छा नेक आदमी बनने के फजूल किस्म की बातें सीखते रहो उससे तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए लेकिन ये तुम्हारी हालत देख के तुम्हारे अम्मा अब फैसला करेंगे तुम्हें देनी चाहिए कि नहीं ठीक तो मेरे से असूली इजाजत लेके अपने अम्मा अब को ना कह देना ना जाके इजाजत मिल गई वो बैठो पीछे दे दो असलम प्यारे हजूर मैं फारस मलिक हूँ मेरा सवाल है कि फेसबुक इस्तेमाल करने का मना क्यों है कोई शरी शरी हु नहीं है ये शरीयत में तो नहीं मना इसलिए मैंने मना किया था कि इसमें बुराइयाँ आजकल की फेसबुक में बुराइयों में ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं अच्छाइयां कम हैं लेकिन जमत अहमदिया फेसबुक करती है अहमदिया का इस्लाम के ऊपर फेसबुक भी है जमात अहमदिया की दूसरी दैली तंजीमें जो है उन्होंने फेसबुक बनाई हुई हैं बस इन्फरादी लोगों ने दो चार ने इकट्ठे होकर अपनी फ़ेसबुक बनाई जिस पर वो तबलीग करते हैं ठीक है तो इस हराम नहीं है लेकिन होशो हवा से करने के लिए ज़रूरी है कि एक हद तक एहतियात की जाए जब तुम अक्ल आ जाए तो मैं तो तुम उसमें जाओ क्योंकि फ़ेसबुक के जरिए से बहुत सारी बुराइयाँ फैल रही हैं फेक फेसबुक के जरिए से बाज़ लड़कों को बाज़ लोगों ने गलत कामों में डाल दिया बाज लड़कियों से गलत काम करवा लिए फिर उनको ब्लैक मेल करते हैं फिर उनको गलत रस्तों पर चले जाते हैं उनके जमात से उनको दूर हटाते हैं तुम्हारा इलम नहीं है जमात का इतना पहले जमात के बारे में पूरा इलम हासिल करो फिर किसी मजहबी फ़ेसबुक पर जाओ फिर दुनियादारी कालम जो है उसमें तुम्हारी अकल आनी चाहिए इतनी अकल हो फेसबुक पर बस सवाल उठते हैं अब तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते और तुम्हारे अम्मा अब भी उस सवाल का जवाब नहीं अगर दे सकें तुम्हें तो तुम समझोगे फेसबुक में अला जो तुम्हें अप्रोच कर रहा है वो सही है हालांकि तुम्हें चाहिए था उसकी तहकीक़ करो जमात के पर किसी पढ़े लिखे आदमी से किसी आलम से पूछो मुरबी साहब से रजू करो अपने से देखो तो फेसबुक में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनसे बुराइयाँ फैलने का ख्याल है और बुराइयाँ फैलती हैं और बहुत सारे यूरोप में लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने और अमरीका में भी जिन्होंने कहा हम हमें गलत कामों में डाल दिया फ़ेसबुक ने इसलिए मैंने कहा था इसे बचने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हारी उम्र अभी नहीं है हाँ अगर फ़ेसबुक में जाना है तो जुमाती फेसबुक हैं जो उस पर जाओ ठीक पीछे दे दो अल्लाह प्यार मेरा नाम माहिर खान है मैं जमात फरीबर में से हूँ मजलिस और मेरा एक सवाल था मैंने पूछना था कि अगर कोई जर्मन या कोई दूसरा हमसे पूछे कि आपको कैसे पता है कि इस्लाम सच्चा मजहब है तो हम उनको कैसे बताएँगे देखो पहली बात तो ये कि जो सबसे बड़ा सबूत इस वक्त हमारे पास जिंदा सबूत है ठीक वो ये है कि कुरान करीम ने यह दावा किया कि ये कुरान करीम अपनी औरिजिनल शक्ल में महफूज रहेगा ठीक चौदह सौ पंद्रह सौ साल होगा ये महफूज रहा ठीक तो रात और अंजील और बाइबल ये सारी चीज़ें जो पुरानी और बाकी जो बुज़ुर्गों स... पर नबियों पर जो सहीफे उतरे वो एक हद हाँ तक जब तक उनके तलीम की ज़रूरत ही महफूज रहे उसके बाद बिगड़ गए ठीक है बाइबल भी बिगड़ गई थी अंजील भी हैं तो रात ही बिगड़ गई थी तभी तो यहूदी अमल नहीं करते थे आंसनों के ज़माने में भी ठीक लेकिन आज तक ये कुरान करीम का दावा है कि ये महफूज रहेगा हमेशा महफूज है और एक महफूज रहेगा प्रिंटिंग प्रिंट की सूरत में किताब की सूरत में तुम्हारे पास महफूज है एक बहुत सारे हाफज हैं कुरान करीम हिफज कर लेते हैं हजारों लाखों हाफज हैं इस्लाम में जिन्होंने हफ्स किया हुआ है उनके सीनों में महफूज है ठीक फिर हम अपनी पाँच नमाजों में इसकी आयतें पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि कुरान करीम पर जो शरीयत उतरी वो सच्ची शरीयत है और उसका दावा है कि हमेशा महफूज रहेगी तो महफूज रही ठीक एक तो बहुत बड़ी दलील यही है फिर इस्लाम के रिवाइवल के लिए इसकी नए इस से इसको जारी रखने के लिए हमलों ने पेश फरमाई उसके मुताबिक वसीम आ गए उन्होंने दावा किया और जमात अहमदिया कायम हुई और हम अल्लाह ताला के फिर से वो जमात का काम इस्लाम की तरक्की के काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो दूसरे लोग हैं वो इस्लाम की तलीम पे अमल करते हुए आगे अपने मिशन को नहीं फैला रहे मसला ईसाइय ही एक ज़माने में अगर फैली भी तो वो सिर्फ़ लोगों के मिजाज को ठीक कर अपने मुताबिक को लोगों के मिजाज के मुताबिक अपनी तालीम को ढालती रही अफ्रीका में और जरिए से तालीम दी जाती है यूरोप में और जरिए से दी जाती है और फिर आते इस मज़हब को छोड़ भी लोग रहे हैं लेकिन इस्लाम पर कायम होते हैं अल्लाह के फल से हज़ारों लाखों लोग हर साल अहमदी मुसलमान भी बनते हैं तो ये बातें मोटी मोटी बातें बता दें कि सच्चाई की दलील है फिर दुआएँ कबूल होती हैं खुदा तला करता है अहमदियों की तुम्हें कोई दुआ कबूल हुई तुम्हारी कोई दुआ की तुमने कबूल भी हुई जी बस फिर ये भी सच्चाई है तो ये बहुत सारी दलीलें दिया करो अपने खुद ही ठीक चलो आगे उसको दे दो अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर मेरा नाम हारिस महमूद है मैं मजलिस ऑक्सबर्ग्स से हूँ, और मेरा सवाल ये है कि आपने एक खुतबे में अطفال और अमज्या को ये अकबर जिक्र किया कि मोबाइल के बारे में कि हमारे लिए ये, इसलिए मना क्योंकि हम ना कोई बिजनेस करते ना कोई काम करते जिसके लिए हम दूसरे को मतलब ए, काम के ज़रिए किसी को फ़ोन करें तो मैंने ये भी सुना कि जब कोई ख़ुदाम बन जाता है पंद्रह साल की उम्र तक तब भी कोई ले सकते हुए तो मेरा सवाल ये था कि जब कोई अतफाल पंद्रह साल को हो सकता है तो उसको मोबाइल लेने की इजाज़त है सवाल यह है कि मोबाइल को गुनाह तो नहीं है, है? अगर जरूरत है बाज़ माँ बाप बड़े वहमी होते हैं वो समझते हैं हमारे बच्चों से हमारा रबता है वो ले देते हैं चौदह पंद्रह साल की उम्र में अगर तो तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसका आजकल के जो मोबाइल आए हुए हैं सेल फोन आए हुए हैं आईफोन है या वो जो उसने नाम लिया था उसका दूसरी सैमसंग वगैरह के जितने फ़ोन हैं हैं एंड्रॉयड वगैरह हैं वो उन पर दूसरी एप्लीकेशनें भी आ जाती हैं उसमें गलत बातें भी हो जाती हैं अगर तो तुम उनको नए कामों तो के लिए इस्तेमाल करते हो मैंने पहले बताया जितना अभी तो कोई हरज नहीं अगर अपने माँ बाप से रबे के लिए इस्तेमाल करते हो कोई हरज नहीं अपने दोस्तों से अपनी स्टडी की बात पूछने के लिए टेक्स्ट करते हो या बातें रबता रखते हो तो कोई हरज नहीं लेकिन अगर तुम गलत एप्लीकेशन में जाके बजाय नेक काम करने के और सारा दिन उसकी किसी गेम के ऊपर लगे और नमाजें भी छोड़ दी हैं और सारा दिन ऐसी गलत फिल्में देखने लग गए कि जिससे इंटरनेट पे भी आ जाता है अब तो फ़ोन है ना कि जिससे तुम्हारे अखलाक ख़राब होने लगें तो फिर हर्ज है इसलिए ये ना चौदह पंद्रह साल की उम्र का सवाल है ना अठारह बीस साल की उम्र का सवाल है अगर इसका गलत इस्तेमाल है तो वो बड़े के लिए भी गलत है और छोटे के लिए भी लेकिन क्योंकि छोटे को अकल नहीं होती इसलिए वो जल्दी लोगों की बातों में आके गलत काम करने लग जाते हैं अगर तुम्हारे में अकल है तो बेशक करो ठीक है ये तुम्हारे अम्मापा तुम्हें लेकर देंगे तो बात है ना महंगा भी आता है है? कितने का आ जाता है आईफोन दो सौ का दो सौ का अब अब तुम्हारे दो सौ यूरो खर्च करेंगे तुम्हारे पे तभी तो बात है ना ठीक है जी और ए, ए, एक दवा की दरखास्त है मेरे मामू चौधरी सफदर अली वरैच वो मलेशिया में रहते हैं और वो उनके लिए दवा करी कि के उनका अच्छा केस चली से पास हो जाए बाकी वजह से तुम्हारे मामू का क्यों चलो आगे जो, खड़े हो जाओ वो सिंधी टोपी वाला हाँ खड़े हो सिंधी टोपी पीछे पीछे सफेद टोपी हाँ अरसलम वासदित है मेरा सवाल है कि जब आप हजूर बने थे आपको कैसा फील हुआ बस ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पे पहाड़ लाद दिया किसी ने <laughs> चलो आगे पीछे हुआ वाला खड़े हो जाओ हाँ पिछला एन, पिछले एनकुमला सलाम हजूर मैं हल्का महसूस हूँ मेरा सवाल है कि जो शहीद होते हैं शहदा जो होते हैं उनको उसी कपड़ों में क्यों दफना दिया जाता है उसने कहा बाज, बाज दफ़ा ऐसा मौका होता है कि, कि जंगों में शहदा होते थे उनके उस कफन दफन की इजनी होती थी और लाशों के ख़राब होने का खतरा होता था इसलिए उनको आंसु भी जिस कपड़े में होते थे दफना देते थे बल्कि उनकी तो ऐसी हालत होती थी कि कपड़े भी उनके पास पूरे नहीं होते थे अगर सर को ढाँकते थे तो पाव नंगे हो जाते थे पाव ढाँकते थे सर नंगा हो जाता था तो इसलिए उनको वहाँ कर दिया जो जो इस तरह हालत हो कि कुछ ख़राब होने का खतरा हो लाश के तो बगैर नहलाए बगैर उसके किया जा सकता जाता है अगर किसी शहीद की ऐसी हालत नहीं है बिल्कुल ही लाश बिल्कुल ख़राब हो गई है तो उसको नहलाया भी जा सकता है कफना तो कफनाया भी जाता है बाकी शोधा को ठीक है ठीक है जी चलो आगे दे दो प्यारे हजूर मेरा नाम वलीद बिन वक्स है और मेरा सवाल ये था कि जो है जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो और भी लोग होते हैं जिनके पास पेट्स होते हैं तो अगर उनका पेट पेट जो है वो हमारे कपड़ों से लग के गुजरे तो उन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है या आजकल तो अपने पेट को बेचारे शैम्पू करा करा के इतना साफ़ कर देते हैं कि तुम्हारे कपड़ों से ज़्यादा साफ वो पेट होते हैं है? बात यह है कि पढ़ी जा सकती है अगर बदलने का मौका कपड़े बदली लेकिन इस बहाने से नमाज छोड़ी नहीं जा सकती आ अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के पास बड़े बड़े बकरियों के रेवड़ होते थे और उनकी निगरानी के लिए उन्होंने शैपट जो कुत्ते थे रखे होते थे हैं उस जमाने में भी होते थे कुत्ते और कुत्तों को रखा होता था कि बकरियों को रेवड़ को एक जगह कंटेन करके रखें तो उस वे वो जो सहाबा थे वो सारा दिन फिरते थे कुत्ते भी उनके साथ रहते थे उनके कपड़ों से टच भी करते होंगे वो आते थे और आके नबी में भी नमाजी पढ़ के चले जाते थे तो कपड़े बदल के और नहा धो के तो नहीं आया करते थे तो नमाज ना पढ़ने के बहाने हैं अगर लग जाए कोई ऐसी बात नहीं है पैट में से भी क्या एक तो एक, एक कुत्ते को ऊपर ही ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ़ होती है ना बिल्ली को तो सारा दिन चूमते रहते हैं ये पैट्स में कुछ कुत् बिल्लियाँ भी तो होती हैं ना परिंदे भी हो सकते हैं कुत्तों की बात कर रहे हो अगर तुम कुत्ते की बात कर रहे हो ना हैं तो कोई हरे नहीं है लेकिन अगर लग गया तो कोई हरे नहीं है तुम उसको नमाज पढ़ सकते हो आराम से और फिर बाद में अगर तुम्हें ज़्यादा क्रैत आती है जाके बदल लो किसी वक्त कपड़े लेकिन नमाज का वक्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस वक्त नमाज़ पढ़ो हैं और बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो रिवाज है कह रहे कुत्ते को हाथ लग गया तो जब तक सात दफ़ा हाथ ना धो ना तो उस वक्त तुम्हारे हाथ पाक नहीं होते हैं एक औरत आई रबा में वैरमदी दूध देने वाली औरतें और मर्द आया करते हैं इर्द गिर्द गाँव से किसी घर में ये कुत्ता रखा हुआ था उसका हाथ लग गया उसने नूकर के साबन से एक दफ़ा हाथ या भी जो भी कर रहा था कुत्ते से या कुत्ते ने उसके चाट लिया तो उसने एक दफ़ा साबुन से हाथ धोया और ख़त्म हो गया तो हाय है, 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 है तुम काफिर हो गए इसको सात दफ़ा तुम्हें हाथ धोना चाहिए था तुम्हें कुत्ते की ज़ुबान लग गई और तुम तुम नापाक हो गए तुम प्लीत हो गए तुम्हें दूर हो जाओ मैं तुम्हें दूध भी नहीं देंगी आइंदा से ये हालत हो जाती है तो ये भी जो है ना इतना ज़्यादा मुबालगा भी नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए ठीक हाँ वो आखिर वाले को दे दो सफेद टोपी वाले को हाँ खड़े हो जाओ Assalamualaikum Hazur. Yeah. Um, my name is Yunus Yusuf, and Matlis Minster. My question is: um, When Allah told uh, uh, the Muslims uh, that we must um, pray five pl prayers a day. Yes. Then. When when Allah told this. When Allah told us. Yes. Allah told these things to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes. eh? and even in the Holy Quran, it is written that there are certain times. There are five time prayers, and the, even the timings were given there in the Holy Qur'an, right? And the Holy Prophet uh, with the, his sunnah and practice showed us how to offer the prayers and what are the timings of the prayers. Even it is in, in, in uh, my, uh, Hadith tradition that once uh, the Holy Prophet said, the prayed in different timings in maghrib time very early and the late time isha time very early and late the same with fajr Zuhr and asr so when sahaba asked him that why you offered your prayers in different timings he said that the angel came to me from allah and he told me that these are the timings this is the the earliest time of offering some particular prayer, Zohar for instance, and this is the maximum time. So, different timings are also given and it was showed to us by the Holy Prophet औरतों के वक्त हो गया ये आखिरी सवाल है नहीं लास्ट लास्ट लास्ट, लास्ट तुम भी एनको वाले बहुत सारे एनको वाले लेकिन लास्ट पे अस्सलाम आखिर हजूर आ, मैंने पूछना था आ, आपके फ्री टाइम में जब आप खाना खाते हो या सोते हो आ, जो भी करते हो आ, उस वक्त भी आपके पास सिक्योरिटी रहते हैं आपके ध्यान रखते हैं मैं घर में बिल्कुल फ्री होता हूँ दफ्तर में फ्री होता हूँ बल्कि रात को मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा होता हूँ ठीक है ठीक है। चलो <laughs> अब ख़त्म हो गया घंटा हो गया तुम्हारा हैं जाओ इनाम हाथ ले लो जल्दी से सिक्योरिटी वाले कॉन्शियस हो जाएंगे। <laughs> <laughs> प्यारे आका की इजाजत से गुजशत साल मनकद होने वाले सलाना जायजा निसाब वक्फे नौ में अपनी उम्र के लिहाज से जमनी भर में पोजीशन हासिल करने वाले ने नौ में इनाम तकसीम किए जाएँगे इनामत में दी जाने वाली कुतब पर प्यारे आका ने कमाल शफका से अपने दस्तखत सबुत फरमाए हैं बारह साल के ग्रुप में गुजशत साल अव्वल अजीज़म सदीद हमीद सन खालिद हमीद आ, ये जमत वीस पादन से हैं नाम है अच्छा चलो हल्ला मुबर दोम मोहम्मद फरहान शेख सनफ शेख मोहम्मद इमरान साहब हाना जमात से शेख तुम वहाँ अब्दुल्लाक साहब भी तुम्हारे कुछ लगते हैं रबा से आए नहीं। हो नहीं अच्छा ले लो तो. सोम फरासत हस्बान अली सनफ रियासत अली साहब नौहाइम से से तेरह साल, साल के ग्रुप तेरह साल के में अव्वल उस्मान अहमद आमिर सनफ इरफान अहमद आमिर ये मन मेटे से हैं फरान रशीद सनफ चौधरी अब्दुल रशीद साहब ये हैदरब जमात से हैं और सोम मिसबा हक शम्स सनफ अनवारुल हक शम्स फिर जमात से तो। इसी तरह चौदह साल के ग्रुप में अव्वल जाजिब आसिफ सन मोहम्मद असगर आसिफ साहब हनोफर जमात से दोम हसान अहमद सलाम सन अशफाक अश्फाक अहमद सिंधु साहब यस्ट बग जमात से और आखिर में सोम अरसलान अहमद दिलो सन ऑफ मोहम्मद रफीक ढेलों साहब बिल फैल जमात से बाकी किसके लिए है ये है बागफम अच्छा अल्लाह हाफिज़